मैंने नारुतो सीजन 1 और हिंदी डब में हुए बाकी सारे सीजन देखे हैं। नारुतो शिपुडिन भी अभी हम देख ही रहे हैं। तो क्या हम नारुतो के बारे में इतना जानते हैं कि उसके इम्पॉसिबल क्विज़ों का जवाब दे पाए? यही पता करने के लिए हम एक क्विज एपिसोड लेके आए जिसमें मेरे साथ तुम लोग भी जवाब दोगे नारुतो कुछ इम्पॉसिबल क्विज का। इन क्विजों के लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, पहले लो उसके बाद हाय 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 हाय। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं सारे सवालों का एकदम नेक्स्ट लेवल अच्छी तरह से पूरी निष्ठा से जवाब दूंगा और तुम भी मेरे साथ जवाब देना और ये भी देखें कि कौन सबसे ज्यादा सही जवाब देता है और सबसे पहले जवाब देता है। थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो जाए तो वो संभाल लेना या समझ जाना या देख के समझ जाना, क्योंकि मेरा कनाउलेट इंग्लिश है थोड़ा सा, तो उतना मैनेज कर लेना। फर्स्ट है लेवल 1 एकेडमी स्टूडेंट, आपके ऑप्शन है ए साकुरा, दूसरा हिनाटा, सासुके, चौथा रॉकली। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई भारी वाला बात नहीं है, ये हम सभी को पता है, ये सीन हम सभी ने देख के रखा। सासुके, देखते हैं क्या इसका जवाब आता है। तो ये जीत चुका है पहला क्वेश्चन, इतना ज्यादा आसान, इस पे भारी कुछ नहीं, तुमने भी सही जवाब दिया होगा, ये काफी ज्यादा इजी था, इजी इनटू 100। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज नारुतो फर्स्ट टीचर, नारुतो का पहला टीचर कौन था, ये भी काफी ज्यादा आसान है, इसमें सोचने का भी जरूरत नहीं। काकाशी, काकाशी पहला था जिसने बेल वाला पहला टास्क दिया, उसके बाद अपना वो जादुई हाथ से, जादुई उंगली से 1000 years ऑफ डेथ का कमाल दिखाया था। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। क्या क्या क्या, क्या? इरुका कब इसको सिखाया था? लेकिन हम बता रहे जिस हिसाब से हमको याद है अभी तक, पहला काकाशी था, उसके बाद काकाशी को कुछ काम आया, तो उसके बाद काकाशी इरुका को सिखाने के लिए बोला था, लेकिन इरुका सीखने में इसको मज़ा नहीं आ रहा था नारुतो की किस तरह ये सिखा रहा है पानी के ऊपर चलना ये वगैरह वगैरह, तब जाके इरुका और वो जिराया सेंसेई का एक जगह मीटिंग हुआ था जहाँ पर जिराया से फाइट भी हुआ था, वो अपना मेंढक को बुलाया था लड़ने के लिए, उसके बाद नारुतो तब से ही जिराया के पास सीखने के लिए जा रहा था जितना तक हमको याद है। लेकिन ये कहाँ से आया ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, बाकी क्या है पता नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं दे रहा है, शायद हो सकता है कि इसको ना पता। हु इज नारुतो राइवल, नारुतो का राइवल कौन है? तो पहला अपना रॉकली, नेजी, ओनोहामारु, सासुके, कौन है? तो सिंपल से ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं, ये सिंपली हो जाए सासुके उचीहा। ये इजी पीजी दोस्तों, अभी तक दो सही जवाब हो चुके हैं इस गेम के अनुसार, बाकी मेरे अनुसार 3 सही जवाब होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, हु इज सासुके ओल्डर ब्रदर, सासुके का बड़ा भाई का नाम पूछ रहा है, तो वो सिंपली हमें पता है इटाची उचीहा। फर्स्ट ए, अभी तक पूरा इजी मस्त चल रहा है। हाउ मैनी ग्रेट निंजास आर देयर, कहाँ का बात कर रहे हैं? ओ शायद जो फोटो में दिख रहा हो वहाँ का, तो फोटो में 2, 2, 4, 1, 5 ही दिख रहा है, तो 5। ये तो अभी लेवल थोड़ा हाई हो चुका है और एक लेवल अप जा चुके हैं हम लोग, अभी सारे सवाल जेनिन लेवल के आएंगे, एक लेवल अप। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, प्लीज नोस अस द कॉपी निंजा, तो कॉपी निंजा किसे कहा जाता है जो कॉपी पेस्ट करता है हर जुस्सू को, जो है काकाशी सेंसेई, इसमें ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है, काकाशी नन अदर देन काकाशी। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट होकागे, कौन है फर्स्ट होकागे? मादारा उचीहा, मादारा नाना मिनाटो, टोबीरामा, हाशीरामा। देखो इसका जवाब हमको नहीं पता सच में, मतलब अगर कभी वो सीन देखे भी हों तो हम गौर नहीं किए कि फर्स्ट कौन था, आई डोंट नो। इसका जवाब तुम्हें पता हो तो तुम कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना, तो इसमें हम पहले हार एक्सेप्ट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। हाशीरामा सेंजू, जितना तक हमको याद है इसका जिक्र तब भी नहीं किया गया था जब ओरिचिमारू सारे पुराने होकागे इसको जिंदा कर रहा था लड़ने के लिए, तब भी नहीं शायद इसका जिक्र किया गया होगा, तो हमको उतना तक पता नहीं है और बस अभी तक तो 2 ही गलत हुआ है, तो आगे देखते हैं और तुम्हारा कितना गलत हुआ है ये भी बताना ज़रूर। अगला क्वेश्चन, हु जिराया नारुतो सुमा, वही जेनिन पे आके ये लो रैक, आगे और हार्ड क्वेश्चन ना हो। जिराया, जिराया ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गारा ओल्ड ब्रदर, काबुटो, कानकारो, किशने और टेनारी? एक तो सिर्फ गारा के बारे में पता है और उसका पावर के बारे में पता है कि क्या क्या वो कर सकता है, उसका भाइयों के बारे में पता है और शायद ये आगे बताया गया हो जब गारा का पास्ट स्टोरी बताया जा रहा हो, तो हमको नहीं पता।
हैं? ये है गारा का ओल्डर ब्रदर, ये है, हमको तो लगा था इसका दोस्त है। ओके ओके, उदास नहीं होते, उदास नहीं होते। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय पेन? ऑप्शन डी इज सिंपल सा आंसर, कुछ कंफ्यूजन नहीं इसमें, इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, आंख बंद करके चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी द अकात्सुकी, इतना इजी इजी सवाल कौन पूछता है। हालांकि इसके पहले क्वेश्चन कुछ हार्ड थे, कुछ कंफ्यूजिंग थे, लेकिन ये इजी था, बिल्कुल ही आसान। तो और एक लेवल अप हो चुका है, अब सारे सवाल चुनिंदा लेवल के आएंगे, तो सब लोग तैयार हो जाओ। हु किल्ड द थर्ड होकागे, सबसे इजी सवाल, इसको अगर एकेडमिक क्वेश्चन में भी पूछता तो भी जवाब दे देते, ओरिची मारो इसको मारो। पूरा फाइट, ये जो पूरा फाइट लड़ा था वो हम मेरा दिमाग में अभी तक छपा हुआ है, कैसे कैसे क्या लड़ा था, क्या क्या हुआ था। ओके ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शायद ये थोड़ा हार्ड हो मेरे लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स ऑफ द सिक्स पाथ? ओके, तो पहली बात है हम ये बंदा को पहली बार देख रहे हैं। अगर ये नारुतो का फर्स्ट सीजन में दिखाया जाता तो हमको याद होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी सीजन था नारुतो का, अगर ये नारुतो शिपुडिन में अभी तक हमको जितना तक याद है अभी तक नहीं दिखाया गया, तो इसके आगे का हम नहीं बता सकते क्या हुआ है। तो इसका जवाब हम लोग सिंपली देखते हैं कि क्या होता है। बी इसका आंसर है, अगर तुम लोगों ने किसी ने सही गेस किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने कमेंट बॉक्स में यही गेस किया था तो एक हार्ट हम तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे, ठीक है तुम लोगों का कमेंट के ऊपर। मिड गाय इज समनिंग एनिमल, अच्छा मिड गाय जो समन करता है वो एनिमल का नाम क्या है, वो जो एनिमल को समन कर काशी तो करता है वो कुत्ता को जो बोलता है भाव खाता है, ये कौन सा एनिमल को बुलाता है? रैबिट, रैबिट इसका चेहरा सूट नहीं करेगा तो रैबिट नहीं, टोटल। ओके फिर से हार्ड क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, फोकस रखना है, जवाब देना। यामाटो, टेंजो, टेंजिन, ओटामाया, इसका जवाब हमको कैसे पता होगा? नहीं पता इसका जवाब क्या है। ओके जान लिए, टेंजो। अब क्या कर रहे हैं इसका भजिया तल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस समनिंग? ठीक है, इस समनिंग का क्या नाम है जब ये मेंढक आता है, ये मेंढक को बुलाता कौन है? मेंढक को बुलाता है ठरकी बाबा जरायसेन से, तो जरायसेन से क्या करके बुलाता है इसको? गामा बुंटा, सिंपल सा जवाब है, गामा बुंटा। गामा के नहीं, गामा हीरो नहीं, गामा किची नहीं, गामा बुंटा। और ये सांप का स्किन निकाल के उसका पर्स बनाने में विश्वास रखता है, साथ ही ये सुट्टा भी फूंकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यस दोस्तों, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। इसी बात पर लाइक कर दो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया तुमको गामा बुंटा के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगला एपिसोड में हम लोग इसका लेवल 4 चुनिन को कंप्लीट करेंगे। अगर तुम लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो तुम सोच रहे होगा कि हम इस वीडियो में पूरा ही कंप्लीट करते हैं, लेकिन नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हम चाह रहे दोबारा से नारुतो देखने के लिए, और थोड़ा अपना दिमाग को तेज करेंगे, सब चीज़ को याद रखेंगे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल के साथ तुम्हें सारे सवालों के जवाब देंगे। जिस तरह अभी कुछ कुछ सवालों के जवाब मैंने पूरे दिमाग लगा के दिया तुम्हें, और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि ये सब कब हुआ था और इस सीन में क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मुझे नहीं आए क्योंकि शायद हम उस पल में थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े ज़्यादा आगे के एपिसोड्स के पूछे गए होंगे, जितने दूर तक अभी मैंने देखा नहीं है। तो इस वीडियो में था इतना ही, तो हम किसी और मज़ेदार से वीडियो में